सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बहुत प्यारी लग रही हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी निकल आया कि सगाई करने का मौका ही नहीं मिला। और अंगद कैसा है रितु? प्रपोज कर दिया सृष्टि को, वो भी बिना रिंग के। अब पहले सगाई होगी और उसके बाद मेहंदी की कोई रसम। हरी जी मालकिन, ये लीजिए मालकी। अंगद, ये तुम अंगद को पहनो। Remember this moment. हर हाल में, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा। सृष्टि,
बेटे ये है मिस सेजल, राजस्थान से हैं। बॉलीवुड में जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं ना, सबको मेहंदी यही लगाती हैं। आज तो मैं लगाएंगी, आइए। जरूर लिखाओ ठीक। हाँ, और ऐसा लिखेगा कि हमारे दूल्हे राजा रात भर अपना नाम ही ढूंढते रह जाए। आप यूं खड़े खड़े देखते रहोगे? जाइए, आप भी जाके अपने हाथों में सृष्टि का नाम लिखवाइए। चलिए जाइए। भाभी मैं कहाँ मेहंदी? कोई मैं मैं कुछ नहीं, चलो। क्या भाई? चलो जाओ। भाभी जाओ। सार्थक कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ थोड़ी देर, अभी तो रस्में शुरू हुई हैं। कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। ऑल ओके? ऑल ओके। अंगद वॉशरूम कहाँ होगा? यूज माय वॉशरूम, वहां से ऊपर जाओ और उधर। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। वॉशरूम में कौन है? हेलो
अंगद का घर काफी अच्छा है। तुम बहुत खुश हो ना इस शादी से? हम खुश हैं। हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया ना। सार्थक, तुम ये कुछ मत कहो। चलते दरवाजा नहीं खोल रहा है। अच्छा चुपो, हम देखते हैं। लगता है दरवाजा जाम हो गया है। ऐसे कैसे जाम हो गया दरवाजा? रुको एक मिनट, हम दोबारा कोशिश करते हैं। हटो। अब क्या करें सृष्टि? अंगद, हम अंगद को फोन करते हैं, वो यहाँ आकर हमारी मदद करेंगे। यस, आई विल कॉल यू बैक लेटर। आइए सर, आप भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा लीजिए। लड़के कहाँ मेहंदी लगवाते हैं। अरे लगवा लो बेटा, शगुन की मेहंदी। बैठो बैठो, अरे बैठो, लगवाओ मेहंदी। भी फोन नहीं उठा रहे। ऐसे मौके पर हम किसी और को बुला भी नहीं सकते हैं, क्या करें हम? अंगद ने अपने परिवार वालों को तुम्हारे अतीत के बारे में क्यों नहीं बताया? पता नहीं, ऐसे अच्छे लोग, अच्छा परिवार, पर होगा भी क्यों ना? तुम जो इतनी अच्छी, पता हम ही थे जो इतने बुरे निकले। सार्थक प्लीज, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को भूल जाओ। वैसे भी तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। कोशिश करना कि आगे जाकर जिंदगी में पुरानी गलतियां ना दोहराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम अंगद को दोबारा कॉल करके देखते हैं। अंगद फोन उठाइए। सच निर्मला जी, अच्छा हुआ आप आ गए।
कम से कम अंगद की शादी के बहाने ही सही आ पाई तो, वरना इतनी बिजी रहती हैं आपको फुर्सत कहाँ है। क्या बताऊं सुधा जी, आप तो जानती हैं सोशल वर्क, लेडीज क्लब की मीटिंग्स, एक्टिविटीज, इन सब में इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। बाय द वे सुधा जी, आपकी छोटी बहू वो नजर नहीं आ रही। अरे अभी बुलाती हूँ। बेटा नवेली जरा इधर आना। जी माँ। बेटा सर आप सृष्टि को लेकर आओ, निर्मला जी मिलना चाहती है। जी मैं अभी बुला के लाती हूँ। आई थिंक वो अंगद के रूम में होगी, मैं अभी देख के आई। अगर किसी ने भी हमें यहाँ पर देख लिया तो क्या जवाब देंगे हम, क्या करें? सृष्टि सृष्टि तुम अंदर हो क्या? जी जी हम अंदर ही हैं। तो जल्दी बाहर आ जाओ क्योंकि माँ तुम्हें बुला रही है। आप चलिए, हम बस दो मिनट में आते हैं। सृष्टि ये तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया है? हम वॉशरूम यूज करने के लिए आए थे, बस आते ही हैं। ओके पर जल्दी आ जाना। वो क्या है ना कि माँ तुम्हें निर्मला आंटी से मिलवाना चाहती है, दोनों वेट कर रही है तुम्हारा। जी कहाँ गई थी? सृष्टि को बुलाने गई थी, अंगद के रूम में फ्रेश हो रही। पता नहीं कितनी देर से रूम लॉक करके बैठी है। गौतम क्या हुआ? नहीं सृष्टि अपने रूम में लॉक करके बैठी हुई है, वो सार्थक भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहाँ रह गई थी बेटा तुम? सृष्टि को लाने गई थी ना, कहाँ है? हाँ माँ, पूना अंगद के रूम में फ्रेश हो रही है, पर माँ मुझे लगता है कि वहां कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आप चल के एक बार देख लीजिए ना माँ, प्लीज माँ चलिए ना। निर्मला जी प्लीज हैव अ सीट, मैं बस एक मिनट में आती हूँ। चलो कोई और रास्ता नहीं है क्या? पापा, हम पापा को फोन करके कहते हैं कि अंगद से हमारी बात करवा दे। साहब जूस धन्यवाद। सृष्टि का फोन? हाँ बेटा बोलो। हेलो पापा, वो हम अंगद को कब से कॉल कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे, आप प्लीज उनसे हमारी बात करवा दीजिए ना। अरे बेटा वो फोन कैसे उठाएगा, तुम्हारे नाम की मेहंदी जो लगवा रहा है। एक मिनट, हम उसे अभी फोन देते हैं। जी प्लीज जल्दी। अंगद बेटा सृष्टि का फोन। जी हेलो। अंगद हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं, वो दरअसल हम आपके कमरे में फंस गए हैं। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आकर दरवाजा खोल दीजिए ना। मैं आ रहा हूँ। जी जी जल्दी। क्या बात है बेटा, सब ठीक? जी मैं अभी आता हूँ।
अंगद आ रहे हैं। सृष्टि, तुम अंदर हो क्या बेटा? जी माँ, हम हैं यहाँ पर, बस आ ही रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो अंगद? माँ वो दरवाजा जाम हो गया तो सृष्टि का कॉल आया था, मैं खोलने आया हूँ दरवाजा। अगर ऐसी बात थी तो सृष्टि मुझे बता देती, मैं हेल्प कर देती ना। भाभी वो एक्चुअली सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे फोन किया उसने। मैं खोल देता हूँ।